हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो ये है नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन का ये मेरा वीडियो है। और अब हम जा रहे हैं दिल्ली, और टाइम हो गया था 10, क्योंकि हमारी 2 बजे की फ़्लाइट थी, हमें वापस दिल्ली जाना था। और हम ज़्यादा दिन वहाँ अपने गांव में नहीं रुक पाए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से हमें अचानक से वापस ही रिटर्न होना पड़ा। तो क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या बात हुई थी, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो आप प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो ये देखिए, ये कुछ रास्ते का व्यू है जो मैंने आते टाइम आप लोगों से शेयर किया है। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. All the... तो कुछ लोग मेरे से वीडियो में, मेरी जो पहले वाली वीडियो गांव की गई है, उनमें किसी कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपको विलेज में कैसा लगा, आप फर्स्ट टाइम गए। तो मैं उनको बताऊंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा विलेज में। बस थोड़ी सी दिक्कतें हुई, और कुछ दिक्कतें मेरे बाबू के साथ भी हुई, बट जो भी था ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए, ये गाड़ी में बैठे हैं हम, और यहाँ का रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था, तो रास्ते में कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है मेरा। तो बस अब निकल चुके हैं अपने घर के लिए। वापस आए थे मुंडन के लिए, आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा, और बाबू का मुंडन हुआ। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा हमारे बाबू का मुंडन वाला। तो वो काम भी पूरा हो गया, अब वापस जा रहे हैं घर। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. तो देखिए, यहाँ हम एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं, और ये है पटना का एयरपोर्ट। और कुछ लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि आप पटना में कहाँ रहते हो। तो मैं उनको बताऊँ, मैं पटना से 2 घंटे आगे दूर कुरारी है, जो मेरे गांव का नाम है कुरारी। अगर किसी को पता हो ये कुरारी कहाँ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये पटना से 2 घंटे आगे एक गांव है कुरारी, तो वहीं मेरा घर था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और यहाँ देखिए, बाबू की कुछ मस्ती चल रही थी, क्योंकि इसके डैडी गए हुए थे, सामान जैसे रखवाना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो यहाँ हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे, और यहाँ बाबू की हमारी चल रही है मस्ती। और उसके बाद इसके डैडी आ गए थे, और उसके बाद हम चढ़ रहे हैं प्लेन में। तो ये देखिए, ये अब हम जाते वक्त प्लेन में बाहर से ही चढ़े थे, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे भी वीडियो शेयर किया। तो ये देखिए, हम यहाँ चढ़ रहे हैं, और थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि एक हाथ में बाबू है और एक हाथ में कैमरा। और ये देखिए, यहाँ पर ये प्लेन खड़े हुए थे, तो मैंने इनकी भी वीडियो बनाई, बहुत अच्छा लग रहा था सामने से देखने में। फ़र्स्ट टाइम था, और फर्स्ट टाइम की मेरी प्लेन की जर्नी बहुत अच्छी रही। तो थैंक यू है हमारे पतिदेव का, जो जिन्होंने हमारा ये सपना पूरा किया, और हम खुश थे। कैसे ना कैसे करके हस्बैंड जी ने ये सपना पूरा कर ही दिया हमारा। तो ये देखिए, ये एंट्री हो रही है, और यहाँ पे थोड़ी लाइन लगी हुई थी, तो हम बस वेट कर रहे हैं अपना अंदर जाने का। और फाइनली हम अंदर आ गए हैं, और हमारी शक्ल में 12 बजे हुए हैं, क्योंकि गांव हम पहली बार गए थे, तो वहाँ का पानी वगैरह, धूप से देखो हमारी हालत कैसी बेहाल हो चुकी है। और आज हम बैठे हैं विंडो वाली सीट पे, और फाइनली हमें विंडो वाली सीट मिल गई। और उसके बाद हमारा प्लेन देखिए चलने लग गया था धीरे धीरे, तो सामने से ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो जो भी मुझे अच्छा लगा, वो सब मैंने आप लोगों से शेयर किया जितना मेरे से हो सका था। तो देखिए गाइस, हमारा प्लेन उड़ चुका है, और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम ये हो गई थी, बाबू बहुत ज़्यादा उल्टियां कर रहा था, उसको कुछ भी डाइजेशन नहीं हो रहा था, उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, उसकी वजह से कुछ नहीं खा पा रहा था। इसलिए हमें अचानक से वहाँ से वापस आना पड़ा, क्योंकि अगर बच्चे को ही कोई दिक्कत है, वो कुछ खा पी नहीं रहा है, तो वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं था। तो इसलिए हमें इस मजबूरी के चलते हुए हमें वापस आना पड़ा। और ये देखिए, ये है रास्ते का व्यू हमारे प्लेन का, जो बादलों से गुजर रहा है हमारा प्लेन। और सच में व्यू बहुत सुंदर था, ये अगर आप सामने से देखेंगे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तो मैंने तो खूब इन्जॉय किया।
क्योंकि भाई पैसे लगे हैं तो खुल के इंजॉय किया मैंने। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए मेरी वीडियो को। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa. तो देखिए गाइज़, ये प्लेन के अंदर का है और यहाँ पे जो ये एयर होस्टेस होती हैं ये खाना वाना सर्व करने आती हैं। तो ये देखिए, ये आई हुई है यहाँ पे। तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस एक कॉफ़ी लिया था वहाँ पे। वो कॉफ़ी भी 100 रुपये की थी, तो एक कॉफ़ी ही लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, सुबह के निकले हुए थे। और ये देखिए, हमारे बाबू की शैतानियाँ चल रही हैं प्लेन के अंदर भी। तो बस थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई अपनी और आप लोगों के साथ शेयर की। तो गाइज़, अब आ गए हैं हम लैंडिंग करने, क्योंकि हमारा प्लेन उतर रहा है और हम पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है गुड़गांवा में। और गुड़गांवा हमारे घर से 2 घंटे दूर है। तो यहां पे अब हम उतरने वाले हैं प्लेन से। तो ये देखिए, सब लोग उतर चुके हैं और हमारी थोड़ी सीट पीछे थी तो हम वेट कर रहे थे सबके उतरने का। और ये देखिए, हमारे हाथ में है, एक हाथ में है डुगू और एक हाथ में है कैमरा। तो हम भी अब उतर रहे हैं नीचे। तो उसके बाद हम आ गए थे बाहर और ये देखिए, सामने खड़ी थी बस इंडिगो की। और इस बस से ही हमें बाहर निकलना था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दूर उतरे थे। तो ये बस हमें पहुंचाएगी बाहर गेट तक। तो सब लोग धीरे धीरे उतर रहे थे और ये स्टाफ खड़ा हुआ था यहाँ पे। तो अब हम चढ़ गए थे बस। तो गाइस, फाइनली हम एयरपोर्ट से आ गए हैं बाहर और उसके बाद हमने कर ली थी कैब और अब हम निकल रहे हैं अपने घर की ओर। और सच में बहुत ज़्यादा हम थक गए थे, बाबू भी बहुत ज़्यादा थक गया था। तो आई होप आपको मेरे ये प्लेन का सफ़र जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, बाबू का मुंडन, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है। सफ़र में वीडियो बनाना, बच्चे को संभालना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको अगर ज़रा सी भी वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे घर पर, क्योंकि अब हम पहुंच रहे हैं घर। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, बाय बाय।